हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हिमांशु और आप देख रहे हैं जेजी फोर टेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं रेडमी 9 प्राइम का एक फुल डिटेल्ड पबजी गेमिंग टेस्ट, और इसमें देखने वाले हैं कि क्या ये डिवाइस हीट होता है, और होता है तो कितना होता है। और यहाँ पे हम करने वाले हैं 1 घंटे की पूरी पबजी गेमिंग, तो इसमें हमें डिटेल में पता चल जाएगी कैसा रहेगा इसमें पूरा एक्सपीरियंस पबजी खेलते वक्त। तो इस वीडियो को दोस्तों इन तक जरूर देखिए अगर आप इसको गेमिंग के लिए लेने ही सोच रहे हैं। इसमें सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे हम दोस्तों कोई FPS मीटर यूज़ नहीं करने वाले, तो उसके लिए आप प्लीज़ मत बोलिएगा। मैंने पिछली बार किया था तो काफ़ी इशू हो गया था, काफ़ी लोग बोल रहे थे वो फेक FPS मीटर है, इसलिए मैं इस बार कोई यूज़ नहीं करने वाला। आपको पता होगा कि कौन से FPS पे कितना आपको शो करता है, कौन से ग्राफिक्स पे, तो वो सब आप अपनी तरफ से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं करने वाला हूँ एक डिटेल्ड 1 घंटे का गेमिंग रिव्यू, जिसमें हम देखने वाले हैं कि कितनी परसेंट बैटरी यहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा 10% पहले 10% में कितनी कम हुई, फिर अपने आधे घंटे में कितनी कम हुई, और फिर 45 मिनट्स में कम हुई, और जितनी हमारी 1 घंटे में पूरी कम हुई। तो यहाँ पर डिटेल्ड मैं बताने वाला हूँ सब कुछ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंदर जरूर देखिए, एंड में आपको कंक्लूजन पार्ट बताऊँगा पूरे पूरे इसके टेस्ट के दौरान कैसी रही इसकी परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल के साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आएगा वो भी प्रेस करके ऑल पे कर दीजिएगा, जिससे हमें लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आती रहे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो शुरू करें। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बैटरी अभी फिलहाल है 37% पे, एंड टाइम हो रहा है अभी 7:44, यानी 7:45 ही हो जाएंगे जब तक हम स्टार्ट करेंगे। तो अब ये देखने वाले हैं कि 7:45 पे हम स्टार्ट करेंगे और 37% बैटरी है अभी, ये सब आप नोट कर लीजिए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, और 45 होते ही मैं इस गेम को स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे होने वाले हैं, उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए यार, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस Redmi 9 Prime की आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलने वाली है, तो उसके लिए आप ज़रूर से स्टे ट्यून्ड रहिएगा। फिलहाल हम इसको स्टार्ट कर देते हैं, एंड मैं आपको इस गेम को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पर हम कर लेते हैं फोकस थोड़ा सा पहले, एंड अब कर देते हैं दोस्तों गेम को स्टार्ट। 45 होने ही वाले, जब तक गेम हमारी स्टार्ट होगी 45 हो ही जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों गेम टर्बो नॉर्मल है, कोई वो मतलब नोटिफिकेशंस वगैरह को थोड़ा सा वो ब्लॉक करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी टाइम वही है और बैटरी भी वही है, तो फटाफट से इसको स्टार्ट कर देते हैं। और 45 हो चुके हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे 45 हो चुके हैं, 7:45, और यहाँ पे 37% बैटरी है। तो इस पर हमने स्टार्ट कर दिया गेम को, एंड स्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको सारे डिटेल स्टैट्स बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको गेम साउंड भी सुनाऊंगा थोड़ी कि कैसी रहती है अगर आप बिना ईयरफोन्स के यूज़ करते हैं। फिलहाल मैं इसको साउंड को जो है फुल पे कर देता हूँ, थोड़ा माइक इससे थोड़ा सा दूर होगा तो उसकी वजह से भी क्या आपको थोड़ा कम लग पाए इसी जो साउंड होगी। फिलहाल हम एक सबसे पहला मैच जो खेलते हैं, हम वो खेलते हैं एक अरेना ट्रेनिंग, या फिर आप कह लीजिए एक डेथ मैच। तो हम अरेना ट्रेनिंग को एक बार स्टार्ट करेंगे, और ये हमने कर दिया स्टार्ट 7:45 पे 37% बैटरी पे। यहाँ पे हमारा मैच दोस्तों स्टार्ट हो ही गया है बस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा जूम करके आपको एक बार सेट कर देता हूँ मैं कैमरा, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड वगैरह कैसी है इसकी। तो फिलहाल हम चलते हैं, थोड़ा मैच वगैरह खेलते हैं, और अभी तक के लिए मैं इसको ग्राफिक्स बता देता हूँ आपको पहले थोड़ा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको सेटिंग्स में ले चलता हूँ, सेटिंग्स में ले जाने के बाद ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने स्मूथ अल्ट्रा पे चलाए हुए हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे बैलेंस में भी अल्ट्रा का ऑप्शन मिलता है आपको, HD में हाई का ऑप्शन मिलता है। फिलहाल मैं बैलेंस्ड अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेलता हूँ, और आपको जिससे ही पता चल जाए कि आप अल्ट्रा ग्राफिक्स में खेलते हैं तो कैसा लगता है। तो देख सकते हैं शेडोज़ वगैरह जो है वो एकदम क्लियरली नज़र आ रही है आपको। हल्के हल्के आपको एक आधी जगह पे फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ आपका अफेक्ट नहीं करेगा गेम प्ले पे। तो ये देख सकते हैं काफ़ी मतलब आगे जब बंदे हमारे सामने आ जाते हैं, और वहाँ पे कोई ऐसा लैग इशू हमें नहीं मिलता है जिससे कि आपका बंदा मतलब जो आपका प्लेयर है वो अपने ऐसे ही नहीं मरेगा किसी लैग की वजह से। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छे से हैंडल किया हुआ है इसने। इसमें हीलियो G80 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी सही हैंडल कर रहा है अभी इसे फ़ोन को। तो यहाँ पे हमने 3 किल कर ली है, एंड और भी ज़्यादा करते हैं, तो आप उसको आप देखते रहिए इस वीडियो को।
यहाँ पे दोस्तों हमारा देख सकते हैं आप मैच जो है वो ओवर हो ही गया है। एंड यहाँ पे हमारे जो टीममेट्स थे वो छोड़ के चले गए थे, अनफॉर्चुनेटली वो अपना अब क्या ही बोलूँ मैं उनके बारे में। बीच में गेम जो छोड़ के जाता है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नूब लगता है मुझे। लास्ट खेल है, अब देखते हैं कौन जीतता है। और यहाँ पे दोस्तों पूरे परफॉर्मेंस के दौरान मुझे सीरियसली कोई दिक्कत नहीं आई। बीच में मेरा पिंग चला गया था एक बार, आपने अगर नोटिस किया हो तो पिंग चला गया था वो नेटवर्क इशू की वजह से, बट वैसे गेम में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं काफ़ी सही चल रही है गेम जो है हमारी। और वो पीछे से आगे मेरे पार्टनर को मार गए हैं जिसकी वजह से हमें ये मैच हारना पड़ा है। और फिलहाल दोस्तों इस वाले मैच को बंद करते हैं, देखते हैं बैटरी स्टेट्स वगैरह हमारा क्या है फ़िलहाल के लिए। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं 752 हुए हैं अभी, जो टाइम हुआ है वो मैं आपको एक बार बंद करके दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हमारे 753 हो चुके हैं, बेसिकली 8 मिनट का गेम प्ले हुआ है ये, और 34% चार्जिंग इसने मेंटेन की है। तो मतलब काफ़ी सही चार्जिंग भी इसने मेंटेन कर ली है अभी तक के लिए। और जो हीटिंग की बात करूँ इस वाले मैच के बाद, तो इस वाले पोर्शन में हल्की सी मुझे वार्मनेस देखने को मिल रही है, जो कि हर फ़ोन में कैमरा के पास ही होती है बेसिकली। यहाँ पे शायद इनका चिपसेट वगैरह होता है जो कि थोड़ा गर्म हो जाता है गेम करने के बाद। तो यहाँ पे बेसिकली हल्की सी वार्मनेस है, ज़्यादा कोई हीट इशू अभी है नहीं है। तो फ़िलहाल मैं एक बार दोबारा से चलते हैं, और इस बार खेलने वाले दोस्तों हम क्लासिक मैच। तो यहाँ पे देखते हैं एक बार फटाफट से क्लासिक मैच चलाते हैं। मेरी मेन आईडी है ये, तो इसमें मैं चलाऊँगा ये वाला मैच, और हम खेलते हैं स्क्वाड का मैच। देखते हैं कितनी देर में हम किल हो जाते हैं और कैसा रहता है सब कुछ। तो फ़िलहाल इस मैच को मैं स्टार्ट करता हूँ, एंड स्टार्ट करने के बाद मिलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लैंड कर लिया है। लैंड करने के बाद आप देख सकते हैं टेंपल पे काफ़ी सारे बंदे आ गए थे, जिसकी वजह से मुझे इधर उधर होना पड़ रहा है। यार पार्टनर्स मेरे चले गए कहीं और, क्योंकि वो कूद ही नहीं रहा था और मुझे जाना था यहीं पे। बट क्या करें, कोई बात नहीं, अभी एक बार गन मिल गई है, अब गन को लेके हम चलते हैं फटाफट से टेंपल पे ही। और दोस्तों अभी तक जो गेम प्ले चल रहा है आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यार, कोई भी लैग नहीं देखने को मिल रहा है अभी तक। और यहाँ पे देख सकते हैं आप स्टटर लैग हुआ हल्का सा, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़े से स्टटर लैग्स इस वाले फ़ोन में। ये देख सकते हैं उन्होंने मुझे आसानी से मार दिया, क्योंकि मैंने उनका एक पार्टनर मैंने उनका नॉक करा और उन्होंने मुझको नॉक कर दिया। तो आप क्या ही कर सकते हैं, अब तो ये वाला मैच हो गया है, तो इसको हम बंद करते हैं और देखते हैं अब क्या होता है आगे। दूसरा मैच स्टार्ट करेंगे अब, बेसिकली अब हम 1 घंटा खेलने वाले हैं यार, तो मैंने बता ही दिया था आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं 757 हो चुके हैं, यानी कि करीब 12 मिनट और 33% की चार्जिंग हो चुकी है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं चार्जिंग का कि कितना आया है अभी तक 12 मिनट के गेम प्ले में। हालांकि हमने 10 मिनट का बोला था, लेकिन उससे पहले हम चेक कर चुके थे 8 मिनट में, तो कोई चक्कर नहीं है यार। अब हम जो है देखने वाले हैं आधे घंटे बाद कैसी रहती है इसकी परफॉर्मेंस, और कैसा रहता है सब कुछ, इसकी बैटरी कितनी डाउन होती है, और ये सब कुछ हम देखने वाले हैं आधे घंटे बाद। तो जब तक के लिए आप देखते रहिए इस गेम प्ले को।
तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो है गेम प्ले वो आधे घंटे का हो चुका है। हमने 7:45 पे स्टार्ट किया था एंड 8:15 हो गए हैं। यहाँ पे बैटरी हम देख सकते हैं 27% है, और जब हमने स्टार्ट की थी जब 37% थी, यानी कि इसने आधे घंटे में 10% चार्जिंग को यूज़ किया है, जो कि डिसेंट है। और इस हिसाब से आपका जो गेम प्ले होगा वो काफ़ी हद तक लंबा चल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हीटिंग की बात करें तो ये जो बैक साइड है वही यहाँ पे जो थोड़ी सी वार्मनेस है थोड़ी और ज़्यादा बढ़ गई है, और यहाँ पे हल्का हल्का हीट सा स्टार्ट हो चुका है होना। बट अभी देखते हैं कि 1 घंटे के बाद यहाँ पे क्या होता है। फिलहाल हम 45 मिनट्स के बाद देखेंगे दोबारा से, एंड जब तक आप गेम प्ले देखते रहिए। और परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चल रही है अभी तक के लिए, और बाद में आपको बताऊँगा डिटेल्ड एकदम जब कंक्लूजन दूंगा आपको। तो फिलहाल आप इस गेम प्ले को देखते रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं अब चार्जिंग वगैरह की, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट्स हो चुका है खेलते हुए। मैं एक बार इसको मिनिमाइज़ करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं 45 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था 7:45 पे हमने गेम स्टार्ट किया था, और 8:30 ऑलमोस्ट हो गए हैं यहाँ पे। तो बैटरी यहाँ पे देख लेते हैं, 22% बैटरी हमारी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो बैटरी बची है। तो इसका मतलब हमारी जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो हुई है अभी 15%, बिकॉज 37% पे हमने स्टार्ट किया था और 45 मिनट्स खेलने के बाद हमारी 15% बैटरी जो है यूज़ हो चुकी है। तो बैटरी के मामले में मैं कहना चाहूँगा अभी तक के लिए काफ़ी सही ये अभी हैंडल कर रहा है। इसकी जो एवरेज आई है अभी वो 15 मिनट में 5% की एवरेज आई है जो बैटरी इसने कंज्यूम करी है। तो फिलहाल हम 15 मिनट और खेलेंगे। अब लास्ट 15 मिनट हम खेलने वाले हैं गन गेम मैच, जो अभी नया एडिशन हुआ है पबजी में। और दोस्तों यहाँ पे बाकी चीज़ों की अगर बात करी जाए साउंड क्वालिटी वगैरह की, तो साउंड क्वालिटी आप सुन सकते हैं। एक बार मैं फुल करके आपको माइक के थोड़ा पास लाके सुना देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। और फिलहाल अब आप मैच के दौरान आपने सुना ही होगा वैसे, जब मैं खेल रहा था तो काफ़ी सही है साउंड क्वालिटी। 10,000 रुपये के हिसाब से ये साउंड क्वालिटी काफ़ी बेटर मिल जाती है आपको। बाकी बात करें हीटिंग वगैरह की, तो मैं सरप्राइज्ड हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे जो है जब हमने 30 मिनट्स के बाद देखा था तो यहाँ पे जो हीटिंग हुई थी वो थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। बट जो अब जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे वो थोड़ी सी वार्मनेस कम हो गई है, एंड यहाँ पे नॉर्मल वार्मनेस आपको देखने को मिल रही है। तो काफ़ी सरप्राइजिंग बात है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छे से हैंडल कर रहा है ये हीटिंग को भी। तो कोई अभी तक मेजर मेजर हीटिंग इशू अभी तक नहीं मिला है। तो फिलहाल हम गन गेम स्टार्ट करेंगे एक, और देखते हैं कि कैसा चलता है वो। और लैग्स की बात करें दोस्तों अगर यहाँ पे, तो लैग्स यहाँ पे आपको थोड़े बहुत स्टटर लैग्स देखने को मिल रहे हैं बीच बीच में। मैं जैसा कि एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आपने भी देखा ही होगा, हल्के हल्के स्टटर लैग्स है, कोई मेजर लैग नहीं है। मेजर लैग जब आता है जब एकदम से 4-5 गाड़ियाँ आपके आसपास आ जाती है, या फिर कई ग्रुप्स आपके पास आ जाते हैं बंदों के। फिलहाल यहाँ पे आपके कोई मतलब आप गेमिंग सही से इस फ़ोन में कर पाएंगे ऐसा मैंने देखा है इसमें अभी तक के लिए। तो फिलहाल 15 मिनट्स और खेलते हैं और देखते हैं लास्ट के 15 मिनट्स खेल के फुल कंक्लूजन आपको लास्ट में मैं दे दूंगा इस गेमिंग रिव्यू के बारे में।
गाइस यहाँ पे जो है हमारा एक घंटा पूरा हो चुका है गेम को प्ले करते हुए। फ़िलहाल मैं इसको बंद करता हूँ एंड आपको बताता हूँ स्टैट्स क्या हैं इस वक्त। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसा कि एक बार ये कॉल वगैरह जो आ रही, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8:48 PM हो रहा है अभी, यानी कि 3 मिनट एक्स्ट्रा ही हो चुका है हमें गेम स्टार्ट करे हुए एक घंटे से। और यहाँ पे 16% बैटरी है, तो बैटरी हमारी जो यहाँ पे कंज्यूम हुई है वो हुई है 21%। 21% या 20% हम मार सकते हैं, बिकॉज 1% शायद वो 3 मिनट जो एक्स्ट्रा हुए हैं उसकी वजह से भी हो गई। तो हम मान के चल रहे हैं 20% यहाँ पे बैटरी यूज़ हुई है एक घंटे में इसकी, यानी कि जो एवरेज दी है इसने वही 15 मिनट में 5% की एवरेज आई है, यानी कि 3 मिनट में, हर एक 3 मिनट में इसने 1% बैटरी को यूज़ किया है। तो ये जो परफॉर्मेंस मुझे इसकी मिली है इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है ये फ़ोन, और हमें एक घंटे में यहाँ पे 20 मिनट की बैटरी यूज़ हुई है। तो इस हिसाब से आपका 5 घंटे तक ये फ़ोन यूज़ कर सकते हो आप फुल गेमिंग करते हुए। तो गेमिंग करते हुए मतलब मैक्सिमम गेमिंग टाइम आपको यहाँ पे 5 घंटे का ही मिलने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैं काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हूँ इस फ़ोन से इस मामले में, बिकॉज इस वाले पोर्शन में जो वार्मनेस आपको देखने को मिलती है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपके हाथ जलने लग जाए या फिर उसको हम ओवरहीट कह दें, तो वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। इस वाले पोर्शन में आपको थोड़ी बहुत हीट देखने को मिलेगी, जो कि नॉर्मल सी है, वो बीच में होती है और बाद में जो पूरे टेस्ट के दौरान यहाँ पे नॉर्मल सी रही है वार्मनेस। तो मैं कहना चाहूँगा हीटिंग के मामले में काफ़ी अच्छे से हैंडल किया है इसने। बैटरी भी मेरे ख्याल से ठीक कंज्यूम हुई है, 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिलती है, तो 5 घंटे का आपको बैकअप यहाँ पे मिलेगा अगर आप गेमिंग करते हैं फुल। और सारी बातें यहाँ पे, और पिंग वगैरह तो ऊपर नीचे होती रहती है, वो सब चीज़ें साइड की हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं अगर स्टटर लैग्स वगैरह की, तो यहाँ पे जो स्टटर लैग्स मुझे देखने को मिले हैं वो कई बार जो क्लासिक मोड में जहाँ से भी कई, अगर बीच में हमें कहीं से गाड़ी जाती हुई आ जाती है हमारे पास से, या फिर कहीं से ग्रुप्स आ जाते हैं 2-3, तो उस टाइम पर थोड़ा सा ये लैग होना स्टार्ट हो जाता है। बट जो मेन परफॉर्मेंस की बात करूँ अगर, जो थोड़ी सही सी लगी मुझे, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको मिल रही है 10,000 रुपये के अंदर मीडियाटेक हीलियो G80 से, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ मैं उस परफॉर्मेंस से, एंड आपको भी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप इसमें गेमिंग अच्छे से कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ अगर आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसमें आपको थोड़े से लैग्स ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे इतना ज़्यादा कैपेबल भी नहीं है ये वाला प्रोसेसर कि ये इतना सब कुछ हैंडल कर ले। हाँ, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते वक्त आसानी से कर पाएंगे अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं इस गेम्स की, तो ये फ़ोन पबजी के लिए मेरे ख्याल से सही रहेगा, आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा 10,000 के अंदर। क्योंकि इसके अलावा जो फ़ोन्स आते हैं उनमें कुछ और प्रोसेसर है, एक अभी C12 लॉन्च हुआ है रियलमी का, जो कि लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। C12 और C15 उनमें G35 मिलता है अगर आप गेमिंग एंथुजियास्ट हैं, तो वो आपके लिए फ़ोन नहीं बने हैं, बिकॉज वहाँ पे आपके लिए थोड़ी परफॉर्मेंस आपको अच्छी नहीं मिलेगी, और ग्राफिक सपोर्ट जितना आपको इस वाले फ़ोन में मिलता है वो सब कुछ आपको उनमें नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा गेम खेला है बैलेंस्ड और अल्ट्रा ग्राफिक्स में। आप बताइए दोस्तों कमेंट करके आपको कैसा लगा ये गेम प्ले वीडियो, प्लीज़ लाइक अभी कर दीजिएगा, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और बहुत ही ज़्यादा ऑसम कंटेंट आपके लिए आने वाला है जल्दी। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और हाँ, आप अगर 10,000 के अंदर एक बजट गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये आप ज़रूर से ले सकते हैं। तो थैंक यू गाइस ये वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं जल्दी ही, बाय बाय।